बेटा चुप हो जा, कितना रोएगा बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, कितनी देर से रोए जा रहा तू, चुप हो जा, ले तुझे दूध पिलाती हूँ, रुक जा बेटा, रुक जा, मत रो इतना यार, कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना, चुप हो जा बेटा चुप, इससे बढ़िया तो भगवान मुझे बच्चा देता ही नहीं, चुप हो जा बेटा चुप हो जा, जब से ये पैदा हुआ ना इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, चुप हो जा बेटा चुप हो जा। चुप हो जा बेटा चुप हो जा, अरे यार अब तो चुप हो जा, अब तो तुझे दूध भी पिला दिया, चुप हो जा बेटा, ये भगवान क्या करूँ इस बच्चे का, चुप हो रहा है कि नहीं, नहीं तुझे एक थप्पड़ लगाऊं, अरे अरे रुको, ये क्या कर रही हो तुम इस बच्चे के साथ, जो मर्जी आई वो करूंगी इसके साथ, तो मैं क्या, ये मेरा बच्चा है, माना कि मैं कोई नहीं लेकिन ये तुम्हारा बच्चा है ना, ऐसे कौन ट्रीट करता है अपने बच्चे के साथ यार, नन्ही सी जान है वो, उसको क्या समझ है अभी, मेरे सिर में दर्द करके रखा है इस बच्चे ने, कब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कब से चुप करा रही हूँ इसे। अच्छा एक बात सच बताओ, क्या ये तुम्हारा ही बच्चा है? हाँ ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। क्या मतलब है आपका, ये मेरा बच्चा नहीं लग रहा क्या आपको? क्योंकि अगर ये तुम्हारा बच्चा होता ना तो तुम इस बच्चे के साथ इस तरह ट्रीट नहीं करती। ओ अच्छा, अब तुम बताओगे मुझे कि बच्चा कैसे पालते हैं और कैसे नहीं। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं ही तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते ना वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। ओ हेलो, मैं तुम्हारी यहाँ दर्द वाली कहानी सुनने नहीं आई हूँ, ये जो अपनी दर्द वाली कहानी है ना कहीं और जाकर सुनाना, ठीक है? मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी दर्द वाली कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि तुम बहुत लकी हो जो तुम माँ बन पाई हो, वरना इस दुनिया में ऐसी कई औरतें हैं मुझ जैसी जो कभी माँ नहीं बन सकती। अच्छा इतना ही प्यार आ रहा ना इस पे, तो तुम ही रख लो इसको। अच्छा तो क्या तुम मुझे अपना बच्चा दे दोगी, दे सकती हो क्या तुम मुझे अपना ये बच्चा? क्यों क्या हुआ, नहीं दे सकती ना तुम अपना बच्चा मुझे, क्योंकि आखिर तुम एक माँ हो ना, एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कभी अपने से दूर नहीं कर सकती यार, अपने बच्चे को अच्छे से ट्रीट किया करो तुम। अरे है तो आखिर वो एक नन्ही से जान ही, अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे तो भी वह समझ जाएगा यार, तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो यार। पता है गलती ना तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम ना आज के टाइम की लड़की हो, अपने कामों में इतना बिजी हो जाती हो, बच्चे की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना इतनी आसान बात नहीं है, तुम्हारे सीने में भी ना एक माँ का ही दिल धड़क रहा है, इसलिए बच्चों की इम्पोर्टेंस को समझो। मुझे माफ कर दो यार, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। देखो इस बच्चे को कितना मासूम है ये, अगर तुम इससे प्यार से बात करोगी ना तो ये तुम्हें हंस कर ही जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, मैं काम में इतनी बिजी हो जाती थी कि बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पाती थी। अरे मैं जानती हूँ जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे काम होते हैं अपने पास, लेकिन कम से कम अपने बच्चे पर तो ध्यान देना चाहिए ना। हाँ सही कहा आपने, मेरी जैसी पता नहीं दुनिया में कितनी माया जो अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता कि बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे रहते हैं। आज से मैं मेरे बच्चे को पूरा टाइम दूंगी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में बताएं, और ये वीडियो उन माओं तक जरूर पहुंचाएं जो अपने बच्चे को टाइम नहीं देती हैं।